अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को चीफ बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो जीतते हैं तो एलन मस्क के लिए अलग विभाग ही बना देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जीत के बाद वो गवर्नमेंट एफिशिएंसी कमीशन बनाएंगे जिसके चीफ एलन मस्क होंगे और वो उनके लिए एक अलग विभाग भी बना देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एलन मस्क इस आयोग को हेड करने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं बताया कि कमीशन कैसे काम करेगा। उन्होंने ये दावा जरूर किया है कि 6 महीने के अंदर ही धोखाधड़ी और गलत तरीके से धन के लेन देन पर लगाम लगाई जाएगी। इस कमीशन के बारे में बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस आयोग में उनके पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी रह चुके स्टीव नूचिन और अन्य सहयोगी भी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि एफिशिएंसी कमीशन को सरकारी विभाग में पूरा वित्तीय और परफॉर्मेंस ऑडिट करने का अधिकार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अमेरिका की सेवा के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो कंपनियों के लिए वेल्थ फंड की शुरुआत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगी के साथ कई सप्ताह से एफिशिएंसी कमीशन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि पहली बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना प्लान बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो घरेलू उत्पादन करने वाली कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी कटौती करेंगे। इसके अलावा नई कंपनियां बनाने के लिए सरकारी जमीन की खरीद पर भी टैक्स घटा देंगे। बता दें कि 19 अगस्त को मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर सरकार में सेवा करने का मौका मिला तो वो जरूर करेंगे। अमेरिका में एफिशिएंसी कमीशन की चर्चा पहले भी होती रही है। रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने 1981 में इस तरह की संस्थान बनाई थी। इसे ग्रेस कमीशन का नाम दिया गया था। ट्रंप के इस ऐलान के बाद उनकी आलोचना भी हो रही है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से कहा गया है कि ये अपने लोगों को सेट करने की एक साजिश है, इसमें कुछ भी एफिशिएंट नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।